नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुक विद किली में। तो विंटर का सीज़न है, बहुत ही ठंड पड़ रही है, तो विंटर के सीज़न में मटर और गाजर बहुत ही मार्केट में मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मटर और गाजर की सब्जी बनाई जाए। तो हम लेंगे कुकर में 2 बड़े चम्मच जितना तेल, उसमें डाल देंगे 1 चम्मच जितनी राई, 1 चम्मच जीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें हम ऐड कर देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई प्याज और इसे हम थोड़ी देर तक पका लेंगे, जिससे कि जो प्याज है वो थोड़ी सी ब्राउन हो जाए। प्याज को थोड़ा चलाने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कटे हुए टमाटर। तो आप जितना प्याज ले रहे हैं उतना ही टमाटर भी लीजिए, लेकिन मेरे पास यहाँ पर टमाटर बहुत ही कम था, एक ही टमाटर था, तो मैंने यहाँ पर यही लिया है। तो अब टमाटर भी हम इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दोनों को थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। मसाला ऐड करेंगे तो मसालों में हम 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल चिली पाउडर ऐड कर देंगे, 1/2 चम्मच जितना धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हम गरम मसाला ऐड कर देंगे और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके पकने देंगे। मसाले इसमें अच्छे से अपना टेस्ट है वो छोड़ दे, इसलिए हमें इसे 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही पकाते रहना है। मसाले प्याज और टमाटर के साथ अच्छे से पक चुके हैं, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटे हुए गाजर। तो गाजर को यहाँ पे मैंने छोटे टुकड़ों में कट करके इसमें अब ऐड कर देंगे और उसके साथ ही मटर भी इसमें ऐड कर देंगे। जितने हमने गाजर लिए हैं उतने ही हम मटर ले लेंगे। इसके ऊपर हम स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। तो सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गाजर और मटर को पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, तो हम इसे तेल में ही पकाएंगे। मगर आपको थोड़ा सा जल्दी हो तो आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दीजिए और कुकर बंद करके 1 सीटी आने तक पकने दीजिए, तो तुरंत ही ये सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसे चला लेंगे और बाद में थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसके अंदर और कुकर को बंद करके पका लेंगे। तो यहाँ पे अब हम कुकर को कर देंगे बंद और 1 सीटी आने तक इसे पकने देंगे। बहुत पानी इसमें नहीं डालना है, बस इसमें हम 1/2 कप से ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, 1/2 कप ही पानी हम इसमें ऐड करेंगे। बस थोड़ी सी सब्ज़ी पक जाए तो हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर